नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोरोना पर सर्वदलीय बैठक जारी है। लॉकडाउन पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान है, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। महाराष्ट्र के संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, सीएम ने ये बात कही है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। अब मुख्यमंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने जा रहा है? क्या पिछले साल की तरह एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा? कोरोना पर गहलोत सरकार की अहम बैठक चल रही है। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हो रही है। राजस्थान में कई सेंटर्स पर वैक्सीन की भारी किल्लत है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 4,401 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन, आपको बता दी बड़ी खबर है, आज से 19 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में 50% केस रायपुर और दुर्ग से हैं और इसी वजह से यहां पर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि 8 दिनों के सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, बाद में धीरे धीरे छूट दी जा सकती है। जितनी जल्दी लॉकडाउन करेंगे उतना फायदा होगा, यह कहना उद्धव ठाकरे का। तो संकेत ये कि क्या लॉकडाउन बहुत जल्द महाराष्ट्र में लग सकता है? सीधे आपको लिए चलते हैं रौनक के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, इस खबर का क्या मतलब निकाला जाए? जी देखिए अखिलेश, काफी देरों से, करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा की ये बैठक जो है अभी भी चल रही है और मुख्य तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी बात रखते हुए दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर उनका इस बैठक में प्रमुखता से जो कहना है, उनका कहना है कि तुरंत फैसला जो है वो लॉकडाउन को लेकर सर्वदलीय नेताओं ने लेने की